हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एंड मैं कर रही हूँ अभी क्या उनको सुलाने की कोशिश, और मैं सोच रही हूँ जल्दी से ये सो जाए तो मैं सो जाऊँ, बट ये नहीं सो रहा। सो इसने मेरा सारा टाइम ऐसे निकाल देना है। पहले ये सो जाता था एक्चुअली मॉर्निंग में, इसको जब मैं नहला देती थी बात ले लेता था ये, तो ये आराम से सो जाता था। लेकिन अब इसका टाइमिंग चेंज हो गया है, अब ये दिन में सोता ही नहीं है। मतलब छोटी छोटी नैप लेता है, अब अच्छे से नहीं सोता, बट ये नाइट में सो जाता है। तो अभी फिर मैं इसको कोशिश कर रही हूँ कि सुला दूँ, और इसके बहाने फिर मैं भी छोटी सी नैप ले लूँ, बट इम्पॉसिबल है इसको सुलाना भी। पूरी दोपहर इतनी मेहनत की क्यान को सुलाने की, बट वो नहीं सोया। वो इतना ढीठ है, वो उसने छोटी सी नैप भी नहीं ली अच्छे से, और इसके ना सोने के चक्कर में मैं भी नहीं सो पाई हूँ, और अभी भी मुझे घूर रहा है ये इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके। इसको नींद ही नहीं आ रही है आजकल। बल्ली अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करेगा। आरव क्या कहता आते ही, नानी इसको ये लड़कियों वाले कपड़े क्यों पहना दिए हैं? है? इसी के ही है। हाँ तो अच्छी नहीं है बनैन, ऊपर से थोड़ी लड़की बना दिया, नीचे से लड़का। स्वैगी निक्कर है मेरे बेटे की, देखो इतनी अच्छी निक्कर है छोटी सी। ये अपना नाक बहुत रब करता है। इसने आज सोना तो है नहीं, अब इसी में खेलो जी मैच में, ठीक है? गोदी में नहीं रहना, बजाओ पियानो बजाओ बेटा। क्या बात है, देखा अब मारता है लात, सुन रहा है कहाँ से आ रही आवाज। सो ये शाम के लिए मैंने बनाई है राइस, नमकीन राइस, जो कि हमारे घर में बहुत खाते हैं। सो ये नारियल हवन में मिला था, मुझे इसको खाना है, तो इसको खाने के लिए पहले तोड़ना पड़ेगा। मैं ट्राई करती हूँ टूटता है कि नहीं, इतने प्यार से मारूंगी तो ये नहीं टूटेगा। A few moments later. 1 hour later. 2000 years later. बहुत मेहनत के बाद ना मैं ये छील पाई हूँ, इतना छील पाई हूँ, और ये रहा आधा फूस, और ये ना मेरे गले में बहुत लग रहा है। ये नारियल तोड़ने के चक्कर में मेरी हर पूरी ख़राब हो चुकी है, और ये नारियल मुझसे टूट नहीं रहा है। इतनी देर से मेहनत करने के बाद सिर्फ मैं इतना नारियल छील पाई हूँ। इसके बाद शिवा मेरी मदद करेंगे, अभी वो ऑफिस का काम कर रहे, करोगे ना? ऐसा लग रहा है शिकार करने जाना है ना। मेरे नारियल। अच्छा जी, करो करो। मेरे नारियल तोड़ने के प्रयास करने के बाद अब कर रहे शिवम ट्राई। यहाँ पे नहीं वो यार, यहाँ पे नहीं यार, ये ऐसे नहीं। मोटे कसम से आप मानते नहीं हो, यहाँ पे ना सारा गंद पड़ना है। ये दी इतनी बड़ी कॉली, इतना ही पानी निकलेगा? हाँ। निकलने की बात नहीं है। हाँ। एरिया होना चाहिए था ना थोड़ा चौड़ा। हाँ, मेरे को देख देख के अब गुस्सा आ रहा है। अब जो चीज़ बोलते ना करो वो चीज़ आपने करनी, ये साफ भी आप करोगे, खाऊंगी मैं। पर इतनी ज़्यादा गर्मी होगी, इतनी ज़्यादा गर्मी होगी, मैं अभी नहा कर आई हूँ, और मुझे यहाँ पे गर्मी में मार रहे हैं। गर्मी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने फ़ैन ऑन नहीं किया है। अगर मैं फ़ैन ऑन करूँगी तो ये सारा जो फूस है नारियल का सारा उगना शुरू हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती थोड़ा सा भी गंद पड़े। फिर से बोलना हमने क्या बोला था अभी। फिर से बोलो एक बार, और उसी स्टाइल में बोलना आपने जो बोला। कैमरे के पीछे ज़्यादा कॉमेडी करते हैं, जैसे कैमरा ऑन होता है तो ये सीरियस मोड में आ जाते हैं। ओ बकरी आ गई, मुझे डरा दिया बकरी। आरव आया था। बकरी। मैं डर गई, मैं पता नहीं कौन आ गया। बोला आपने क्या बोला? No. यार अच्छा, कैमरा ऑन होता है फिर आप बोलते नहीं हो, जब कैमरा ऑफ होता है तब आप बड़े अच्छे अच्छे वर्ड बोलते हो। हाँ। आप मेढक नहीं हो? नहीं, मेरे वाइफ ने कहा यू आर माई प्रिंसेस, फिर इन्होंने क्या किया, अभी मैंने बोला बोलने को तो ये बोल नहीं रहे। आई यू लव मी सो मच है। आना नारियल ना गिरा बेचारे को। ये हवन का प्रसाद मिला था मुझे, मिला हम सबको था, पर मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ही मिला था, क्योंकि मुझे नारियल बहुत पसंद है खाना।
आपने छींक मारी है, दूर होना इसके कारण हो रहा है मुझे। शट अप। वो तो ये देखो नारे इन्होंने ऑलमोस्ट छील दिया। और गंद यार मेरे को सच्ची गंद देख के ना मेरे को ना कुछ होता है। ये पता क्या बन गया, दिखाओ मुंह दिखाओ नारियल का, पहले शीशा टूट जाएगा। एक्सपर्टीज है। इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है और इनका नारियल अभी तक नहीं छीला। दो टाइप के नारियल होते हैं, तू बता कौन से दो टाइप के नारियल होते हैं? एक ब्राउन होता है, एक ग्रीन। हाँ ब्राउन तो ग्रीन में। लगा ना, लगा फूस, लगा ना पानी पिलाई। हाँ मैं भी जब ये नारियल छील रही थी ना मेरे को भी बहुत खांसी आ रही थी। ये लो पानी। ये लग क्यों रहा है? आगे पहले कभी नहीं हुआ जब हम छीलते थे नारियल। नहीं जब इसको छील रहे हैं ना जो फूस उड़ रहा है वो मेरे भी गले में बहुत लग रहा था। सिर आगे नहीं नहीं नीचे नहीं, यार नहीं। लो मैं बाहर करके ले आती हूँ, लाओ दो। ओह 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 पानी आ गया। ये नारियल पानी मैं पीऊँगी। तूने पीना रहा? थोड़ा सा पी ले तू, थोड़ा मैं। जो ग्रीन कोकोनट होता है वो भी यही वाला होता है, तो ये ब्राउन कैसे हो जाता है? वही सूख के ब्राउन हो जाता। अच्छा फाइनली मेरा नारियल टूट गया। नारियल में ना एक छोटा सा दांत होता है। हाँ यहाँ पे होता दांत। कहाँ पे? हाँ और जो वो दांत निकलता है ना तो कहते हैं जो वो दांत खाता है उसके वो लक्की, मतलब उस दांत को खा के कोई भी विश मांगो ना वो पूरी होती है। ये चीज़ मैंने आजमाई है, ये दांत जो था ना बोल रहे खा के विश मांगो पूरी होती है, मैंने खाया था और मैंने विश भी मांगी थी और पूरी भी हुई थी। आया एक बार सर। ये देखो ये जो होता है ना नारियल से, ये नारियल का दांत होता है और इसको साबुत निकालना पड़ता है, मतलब बीच में से टूटा हुआ नहीं चाहिए ना। यार नारियल ऐसे तोड़ा जा रहा है जैसे हीरा तराश रहे हो। ये रहा नारियल में से जो दांत निकला है। ये चश की गीड़ी लग रही है। ऐसा होता है और इसको खाओ और कोई भी विश मांगो वो आपकी पूरी होती है। आप खा लो, अब जब नेक्स्ट नारियल लाएंगे उसमें से दांत निकलेगा वो आरस आएगा। सो नारियल अच्छे से टूट गया है और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्लीन करना है क्योंकि मैं यहाँ पे सोती हूँ और मुझे यहाँ पे सोना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे चाहिए कि मेरे आसपास सफाई हो। सो माई नारियल इज रेडी नाउ, अब मैं करूँगी इसको इंजॉय। Hold me close till I get up. Time is